तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम जान लेंगे, वो भी वरीयता श्रेणी के अनुसार। एक वरीयता टेबल दिया जाएगा जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सभी के लिए। चलिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, पेज दिख रहा होगा जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। उस फंक्शनल ग्रुप को पहले हम लोग याद करेंगे, इसके बिना आगे हम नहीं बना सकते। जब हम इसको देख लेंगे तो फिर हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें है कौन कौन से, याद करना बहुत जरूरी है तरफ से। तो पहला जो हमारा है वो देख लेते हैं। पहला हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है पहला? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहला है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो हमारा है सल्फोनिक एसिड। दूसरा हमारा क्या है? SO3H, सल्फोनिक एसिड। तीसरा हमारा है एनहाइड्राइड, COOCO। चौथा जो हमारा है वह हमारा है चौथा एस्टर, COOR, एस्टर। पांचवा जो हमारा है वह है COX, एसिल हैलाइड। कौन सा है? एसिड हैलाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर यानी छह नंबर पर एमाइड है, यानी CONH2 एमाइड है। सात जो नंबर पर है वह हमारा साइनाइड है। कौन सा है? साइनाइड। इसमें आइसोसाइनाइड ले रखा है, तो आइसोसाइनाइड भी होता है, साइनाइड भी होता है। तो कुछ कहीं कहीं पर आपको आगे पीछे मेंशन किया हुआ नजर आएगा। तो पहले हम लिख देते हैं, सात नंबर पर है आइसोसाइनाइड, आठ नंबर पर है CN। क्या है? CN, यानी कि साइनाइड है। और नौ नंबर की बात करें तो नौ नंबर हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। दस नंबर की बात करें तो कीटोन होगा। ग्यारह नंबर की बात करें तो अल्कोहल होगा। बारह नंबर की बात करें तो SH क्या होगा? SH यानी कि हायो अल्कोहल। क्या होगा? हायो अल्कोहल यहां पर है, हायो अल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है हायो अल्कोहल SH। तेरह नंबर जो हमारा है, तेरह जो नंबर हमारा है वह है एमीन, NH2। चौदह जो नंबर है वह है डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। पंद्रह जो नंबर है ट्रिपल बॉन्ड होता है। सोलह जो नंबर है वो ईथर होता है। सत्रह जो हमारा नंबर है वह जो होता है नाइट्रो होता है। और अठारह कहीं कहीं पर आपको दे रखा होगा हैलाइड ग्रुप। समझ में आ रही बात? ये टोटल का टोटल जो हमारा है फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको ये पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम और उसका क्या सिंबल होता है ना, संरचना होता है, उसको याद रखना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो है इसका प्रीफिक्स और इसको जो है सफिक्स, तो ध्यान देना है। यहां पर तो वो टेबल में बता दे रहे, पहला जो हमारा नंबर है, पहला जो हमारे पास जो नंबर है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो COH होता है, अगर इसकी हम पूर्व लगन को ही प्रीफिक्स बोलते हैं, पूर्व लगन को ही हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। पूर्व लगन को हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं तो कार्बोक्सी होता है। और इसका अगर हम अनुलगन की बात करें, यानी अनुलगन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सफिक्स होता है। क्या नाम होता है इसका? सफिक्स होता है। ठीक है, तो ओइक अम्ल होता है। सल्फोनिक अम्ल की बात करें तो इसका जो प्रीफिक्स होता है सल्फो होता है और ये होता है सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एनहाइड्राइड की तो एनहाइड्राइड में इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। अगर सफिक्स की बात करें तो ओइक एनहाइड्राइड होता है। यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है एस्टर, एस्टर में भी यहां पर पूर्व लगन नहीं होता है। और अगर हम बात करें IUPAC अनुलग्न यानी सफिक्स की बात करें तो OH होता है, OATE, OH।
नेक्स्ट जो है एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड जो होता है वो होता है हेलो कार्बोनिल, और इधर होता है हमारे पास जो है सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट हमारा एमाइड, एमाइड के लिए होता है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, और ये हमारा आता है एमाइड। आइसोसाइनाइड की बात करें तो आइसोसाइनो होता है और ये होता है आइसो नाइट्राइल, इन दोनों को नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, नाइट्राइल के, आइसो नाइट्राइल और ये नाइट्राइल, कहीं कहीं पर बुक में लिखा रहेगा। साइनाइड को साइनो होता है और इसका नाइट्राइल होता है। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मिल होगा या कहीं कहीं पर ऑक्सो भी लिखा रहता है, और यहां पर क्या होगा एएलएल होता है, एएल, एल्डिहाइड में एएल चलता है सफिक्स। कीटोन, नेक्स्ट जो हमारा है कीटोन, कीटोन का ऑक्सो चलेगा और ये होता है ओन, और कीटो कहीं कहीं पर कीटो भी लिखा रहता है, प्रीफिक्स कीटो भी चलता है और ऑक्सो ओ एक्स ऑक्सो भी लिखा रहेगा। अल्कोहल की बात करें तो हाइड्रोक्सी होता है और ऑल होता है, ए ओ एल ऑल, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में जो होता है, ध्यान देना, हिंदी में है ऑल, ठीक है। थायो अल्कोहल की बात करो, मरकैप्टो होता है, मरकैप्टो, और ये थायोल होता है, क्या होता है थायोल, यहां पर हम लिखते हैं थायोल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है एमीन, एमीन का एमिनो होता है और इधर एमीन होता है, एमीन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है एल्कीन, एल्कीन का तो सब जाते हैं कि इन लिखो, इन लिखो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको ENE, उसी तरह इसको एल्काइन को YNE लिख सकते हैं, उसी तरह एल्केन को ANE लिख सकते हैं। यहां पर मिसिंग है तो तीन को हम बता दे रहे हैं यहां पर जो होता है, ठीक है ना। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 16 नंबर, ईथर ओ होता है ईथर, 16 नंबर यहां पर लिखना चाहो मेंशन कर सकते हो, ईथर, ईथर होता है, ओ होता है इसका सिंबल, और इसका जो होता है इथरे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है एक होता है एक्स होता है, यानी एक नाइट्रो छुटा हुआ, 17 नंबर हम लिखना चाहे तो नाइट्रो लिख सकते हैं, एनओ टू नाइट्रो होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, किसी को दिक्कत तो। हम लोग आज जो है सिर्फ और सिर्फ वरीयता टेबल को देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखने वाले हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं, और इसको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको राइट डाउन कर सकते हो, बस दो चीज इसमें नहीं है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक है आपका पहला नंबर पर है COOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा नंबर पर होता है SO3H, जिसको बोला जाता है सल्फोनिक अम्ल, तीसरा नंबर पर है जिसका नाम है COCO, जिसका नाम होता है एनहाइड्राइड, चौथा नंबर पर होता है COOR, इसका नाम होता है एस्टर, पांचवा नंबर पर इसका नाम होता है COX, एसिल हैलाइड एसिड, छह नंबर पर हमारा होता है, छह नंबर होगा CONH2 एमाइड। सात नंबर की बात करें तो सात जो नंबर हमारा होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या होगा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड NC लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आठ नंबर होगा, आठ जो नंबर होगा वो हमारा होगा CN साइनाइड, नौ जो नंबर होगा, नौ नंबर वो हमारा होगा, नौ नंबर जो हमारा होगा नौ नंबर जो होगा हमारा
वो होगा CHO यानी अल्डिहाइड होगा। क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर हमारा होता है कीटोन। 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर होता है अल्कोहल। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर हमारा होता है, 12 नंबर जो होता है SH होता है, थायो अल्कोहल। 13 नंबर की बात करें तो 13 जो नंबर होता है हमारा वह होता है हमारा एमीन NH2। 14 नंबर की बात करें तो डबल बॉन्ड। 15 नंबर की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड। 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर हमारा हो जाएगा ईथर। 17 नंबर की बात करें तो NO2 नाइट्रो होगा। और 18 नंबर की बात करें तो X मतलब होता है हैलाइड ग्रुप। क्या होगा? हैलाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लोग राइट डाउन कर ले। इतना हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। वो भी वरीयता टेबल के अनुसार, वरीयता टेबल के अनुसार। किसके अनुसार होगा? वरीयता टेबल के अनुसार आपको याद कर लेना है, ठीक है।